नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, हम बात बिहार सरकार की करेंगे, बात नीतीश कुमार की करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को भी यह बात समझ में आ गई है कि चुनाव का साल है, एक साल से भी कम वक्त बचा है चुनाव में, तो अब हमें जनता की हर बात मान लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव की बात माने ना माने नीतीश कुमार, लेकिन जहां कहीं सुगबुगाहट हो रही है कि यह वर्ग नाराज हो रहा है, नीतीश कुमार तुरंत एक्शन मोड में आ जा रहे हैं। आपने देखा ही देखिए, कई उदाहरण हैं, चाहे सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम के बाद जो बवंडर उठा था एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, आज सीएसबीसी ने कह दिया जो अभ्यर्थी कह रहे हैं वही जायज है। मतलब सरकार को बात सुनाई पड़ गई, हंगामा चल रहा था, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और उनके साथ टीचर गुरु रहमान की बात कर ले, रोशन आनंद की बात कर ले और जितने भी लोग हैं, तो एनसीएल मतलब नॉन क्रिमी लेयर ईडब्ल्यूएस आज की ही बात मानी जाएगी। वैसे भी हम लोग मानते हैं कि देखिए, कहां इतना होता है कि लोग अमीर से गरीब हो जाते हैं जो फर्जीवाड़ा करते, गरीब से अमीर बनता है यह बात तो हम देखते ही हैं, लेकिन अमीर से गरीब यह उदाहरण कम मिलते हैं। आपने शिक्षकों को खुश करने के लिए देखा कि नीतीश कुमार ने यह समझा कि शिक्षक बहुत परेशान है, कहां भेजे जाएंगे, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पति पत्नी यहां वहां, तो नीतीश कुमार ने स्वयं ऐलान कर दिया था कि किसी भी नियोजित शिक्षक का तबादला नहीं होगा जिन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। और इसके बाद यह बात समझ में आई कि बहुतों को ट्रांसफर की जरूरत है कई कारणों से, तो सरकार ने सामूहिक स्थानांतरण को रोका और ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए देखिए अब आवेदन मांगे जा रहे हैं। जमीन सर्वे इसे लेकर कितना आक्रोश बढ़ा हुआ था, यह भी सरकार ने समझा और तारीख बता दी कि हम तारीख बढ़ा रहे हैं। खतियान छोड़िए, आप प्लॉट नंबर दे दीजिए, खेसरा नंबर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, छुट्टियों को लेकर विवाद होता था, छुट्टियां तो कल ही अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के सारे फैसले ही बदल गए। अगले साल दिवाली से लेकर छठ तक सारी छुट्टियां हैं, गर्मी की छुट्टी भी, जाड़े की छुट्टी भी, जितिया की छुट्टी भी, कोई पर्व बचा ही नहीं जिसमें छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार को कह दीजिए, चुनाव का साल है, वोट लेना, आगे 5 साल देखा जाएगा। और देखिए, अपराधियों को ठीक करने के लिए कुंदन कृष्ण को ले ही आया गया और कुंदन कृष्ण ने आते ही कह दिया कि भाई समझ जाइए, कानून सबसे ज्यादा ताकतवर है और वैसे लोगों पर नजर दौड़ा दी है कुंदन कृष्ण ने। देखिए, आज मैं उनका पहला ही संबोधन सुन रहा था, उन्होंने साक्षात्कार दिया है कि जो बाउंसर लेकर घूमते हैं, 8-10 बाउंसर, वह भी रडार पर आ जाएंगे। कहां से इतने बाउंसर ले रखे हैं? क्या इनकम टैक्स को भुगतान करते हैं? जो कंपनियां बाउंसर सप्लाई कर रही है उनका प्रमाणीकरण है, वो जीएसटी दे रहे हैं? और जरूरत पड़ी, देखिए उन्होंने कहा कि केंद्र की एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां, उन्होंने इनकम टैक्स, ईडी दोनों का हवाला दिया, दोनों की मदद लेंगे और शांत कर देंगे। जब उनसे पूछा गया कि अपराधियों को दोहराएंगे, उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो बिल्डर्स हैं, जो कह देते हैं कि देंगे लेकिन इसके बाद जो खेला होता है, तो सरकार जो है अब जनता को खुश करने में लग गई है, हर तबके को खुश करने में लग गई है। मुझे लगता है कि ये जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हैं जो 8,000 में तड़प रहे हैं, उनकी बात भी आज ना कल सुन ही ली जाएगी। तो नीतीश कुमार को एहसास है कि हमें जब बिहार महिला संवाद यात्रा पर निकलना है 15 जनवरी के बाद, इसके पहले आक्रोश के जितने मुद्दे हैं उसे खत्म कर देते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल ही चुके। संजय जी, नहीं, नीतीश कुमार जी के इन सारे निर्णयों को मैं मानता हूं कि व्यवहारिक फैसले और करनी भी चाहिए। मैं आता हूं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से, जो अभी सिपाहियों का जो अभ्यर्थी थे जो सड़क पर उतर गए, जो पहली सिपाही भर्ती परीक्षा निकली, किसकी भेंट चढ़ गई सबको पता है, पेपर लीक। और वो सिपाही बनने के लिए
कोई वैसे घर के बच्चे तो नहीं आते हैं जिनके माँ बाप काफी सक्षम हो सिपाही जी बनने के लिए, तो वही गरीब गांव किसान के बच्चे आते हैं। उन बच्चों ने एक बात कही कि जब आपने आवेदन लिया हमसे, आप उस समय ही चीजों को तय कर देते कि EWS और NCW का सर्टिफिकेट 2022-23 का बना होना चाहिए, तभी आप आवेदक होंगे, तभी आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। उस तरह का कोई कॉलम तो था नहीं। जब छह छह चरण में परीक्षा लेकर के हम जब रिटेन परीक्षा क्वालिफाई कर, हम लोगों ने देखा था कि सिपाहियों की बिल्कुल बहाली केवल फिजिकल परीक्षा के आधार पर हो जाती थी, हाँ कि उन पहले बिल्कुल बिल्कुल सिपाही के लिए, मैंने रिटेन परीक्षा तो अभी इधर देखी है कि रिटेन परीक्षा सिपाही भर्ती के लिए भी हो रही है। ठीक है, होनी भी चाहिए, उसमें थोड़े आर्मी में अच्छे। देखिए आर्मी में दौड़ ही तो होती है। हाँ जी हाँ, तो जब आपने रिटेन परीक्षा ले ली, 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी जब क्वालिफाई कर गए, तब आपने एक तकनीकी पेच डाला कि नहीं, 2022-23 का जब तक NCWL और नॉन बिल्कुल क्रीमिलेयर का और एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट का सर्टिफिकेट आपका 2022-23 वाला नहीं होगा, तब तक आप फिजिकल जो परीक्षा होगी उसमें शामिल नहीं होंगे। 9 दिसंबर से फिजिकल का टेस्ट शुरू होने वाला है जो मार्च तक चलेगा। तो जब जी आपके कोई निर्णय अस्पष्ट होंगे, जब वो भेग में चीजें होंगी, आवेदन होंगे, तो अभ्यर्थी पर तो सड़क पर उतरेंगे। कल तो देख रहे थे किसान के बच्चे रो रहे थे, उनकी पीड़ा बिल्कुल झलक रही थी कि भाई कितनी बार मौका मिलता है, 21,000 कुछ सिपाहियों की बहाली होनी, और वो बच्चे बच्चियां रो रही थी कि हम लोग तैयारी करके आए, अगर मान लिया जाए कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो क्या वो 40 रुपया में वो सर्टिफिकेट बनता है, मैं उस पैसे को जमा करके मैं उसका सर्टिफिकेट नहीं बनवा लेता। लेकिन आवेदन में तो उस तरह की कोई बात तो थी नहीं। तो सरकार इस व्यवहारिक पक्ष को समझी और पहले हम अमीर थे, अब गरीब हो गए, हम इस तरीके का फर्जीवाड़ा क्यों करेंगे भाई? और पहले हम अमीर थे, अब गरीब हो गए, इस तरह का हम फर्जीवाड़ा क्यों करेंगे। ठीक ही आपने कहा कि भाई अमीर से गरीब होते हुए तो हमने नहीं देखा है। तो वो बच्चे, तो सरकार इस व्यवहारिक पक्ष को समझी, और समझी तो उन्होंने वो जो कर्मचारी चयन पर्षद जो इनका नियुक्ति करती है, नोडल एजेंसी है, उसको उन्होंने निर्देशित किया और आज चीजें आई कि नहीं, ठीक है, अब ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी, पहले आप फिजिकल टेस्ट दीजिए, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो फिर आपके सर्टिफिकेट को देख लिया जाए। एक फैसला को हम लोगों ने देखा। हम आते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर पर। आप अगर बिहार में क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो शिक्षकों के ट्रांसफर के बदौलत आप कुछ नहीं कर लीजिएगा जिस पर हम लोगों ने बात की थी। बिल्कुल आप शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए, जो महिलाओं को जो वास्तव में परेशान है, आपने तय किया कि हाँ ठीक है, ऐच्छिक स्थानांतरण बरकरार रहेगा और शिक्षक उसी तरह से काम करेंगे जैसे पहले काम करते हैं। सरकार हर चीज को इसलिए मान रही है कि सरकार के तकनीकी पक्ष, और सरकार को चूंकि 2025 में चुनाव में जानी है, जिसके तरफ आप इशारा किए, नहीं तो बिल्कुल नीतीश कुमार की सरकार और इतनी आसानी से बात मान ले, वो आप संघर्ष करते रह जाइएगा। एक बार पॉलिसी तय हो गई, चीजें बन गई, फिर आपको उसको मानना पड़ेगा। तो इन्होंने जी शिक्षकों के स्थानांतरण में भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। छुट्टियों की बात, अब और के इतना बड़ा पाठक वर्ग है शिक्षकों का, देखिए इतना बड़ा वर्ग है शिक्षकों का जिन्हें आप नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक भाई, नाराज होते हैं तो भाई उनका परिवार नाराज होता है, और शिक्षक बहुत बड़े संदेश वाहक होते हैं। देखिए यदि जीविका दीदी आपके साथ हैं और शिक्षक नाराज हो जाएं तो जीविका दीदी साथ होकर भी देखिए उनकी ताकत कम हो जाती है यदि शिक्षक नाराज होते हैं तो। शिक्षक नाराज हो जाएंगे तो वो समाज में एक ऐसा माहौल पैदा कर देंगे, चूंकि एक शिक्षक नहीं होते हैं, शिक्षक की बात समाज में बहुत तेजी से कनेक्ट होती है, वही बिल्कुल शिक्षक और शिक्षक का परिवार जो आपका मतदाता भी है, वही शिक्षक कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रहते हैं, जिन बूथों पर आपके मतदान होते हैं, वही उन्हीं शिक्षकों के कंधे पर वो जिम्मेवारी होती है, वही शिक्षक समाज के बीच में अपनी बातों को रखते भी हैं। जब उनको अभिभावकों से मुलाकात होती है तो सरकार के वैसे निर्णयों से वो अवगत, आपने वो तस्वीर देखी थी ना, जब रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन रो रहे थे
और के पाठक का वो फैसला था कि नहीं, रक्षाबंधन के दिन भी विद्यालय खुले रहेंगे, बच्चे अनुपस्थित थे, भाई कहीं और शिक्षक था, बहन कहीं और शिक्षक थी, और दोनों के आंसू लिए हुए तस्वीर कैमरे में कैद हुए थे। सरकार भी देखी होगी, समाज भी देखा होगा, और समाज को भी लगा होगा कि भाई ये तो दूरदर्शी फैसले हैं, ये फैसले व्यवहारिक नहीं है। तो अब 72 दिन की छुट्टी दे दी गई, 72 दिन की छुट्टी साल में शिक्षकों को मिलेगी। 72 दिन के, ठीक आपने कहा कि जीवतिया से लेकर के अब हर वो त्योहार, गर्मी की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी, सब अवकाश अब उसमें शामिल कर दिया गया कि भाई 2025। देखिए कितना बवाल हुआ था कि आप क्या बोलता है छठ में ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं, छठ में इस दिन छुट्टी नहीं दे रहे हैं। सरकार ने एक साथ, देखिए चुनाव कितना बड़ा होता है और चुनाव में कोई नाराज न रह जाए इसके लिए सरकार कितनी तैयारी करती है। हाँ बिल्कुल, करनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक इतना बड़ा वर्ग है कि उनकी नाराजगी के वजह से मोटा मोटी मैं मानता हूं कि 5.5 लाख शिक्षक तो अभी हैं ही ना। अब वो 5.5 लाख शिक्षक जो नीचे का मैं बता रहा हूं, अगर वो 5.5 लाख शिक्षक और उनके परिवार को जोड़ लीजिए, और वो शिक्षक तो कंसस वर्ग है, वो ऐसा कोई नहीं है कि कोई शिक्षक होगा और मतदाता नहीं होगा, कोई शिक्षक होगा और समाज में उसके 10-20 लोगों के साथ उनके अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, अभिभावकों से संबंध नहीं होगा, कोई ऐसी बात वो नहीं करेंगे जिससे समाज में सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षक की बात इनको इसलिए भी माननी पड़ी कि लगा कि अगर ये शिक्षक वर्ग अंदर ही अंदर अगर नाराज हो गए तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो शिक्षकों की बात भी इन्होंने मानी और छुट्टियों की तो बहार ही ला दी कि भाई पूरी छुट्टी देंगे, आप खुश रहिए, और खुश रहिएगा तो हमारी सरकार भी अगली साल बनने में आपके भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी खुशी जो होगी वो रिफ्लेक्ट तो होगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा, शिक्षकों का स्थानांतरण, छुट्टी, सिपाही भर्ती में जितने भी तरह के नॉन क्रीमी लेयर से लेकर के ईडब्ल्यूएस का मामला, सारी चीजों को सरकार मानते जा रही है, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में लाठियां खाते हुए शिक्षक, बेहोश पड़े शिक्षक, उसी डाक बंगला चौराहे पर आपने देखा था ना कि वो तिरंगा लिए हुए है और एडीएम साहब उसके ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, ये तस्वीर भी हम लोगों ने देखी थी। तो वो तस्वीर और आज की तस्वीर की, इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा दिल कि इनकी सरकार जो भी मांग आ रही है विचार ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मकसद वही है 2025 का चुनाव जीतना, कि 2025 के चुनाव में किसी भी तरह की नाराजगी ना हो। और दूसरी बात, ठीक है वो 15 जनवरी से ही नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलेंगे, खरमास समाप्त करके ही निकलेंगे, लेकिन किसी भी तरह का एक निगेटिव मैसेज ना हो। और मुझे लगता है कि अभी देखिए, मुझे लगता है संजय जी की देखिए आवाज ठीक से होती तो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक और जो स्वास्थ्य अनुदेशक हैं उनकी बात भी सरकार को सुन लेनी चाहिए, नीतीश कुमार के कानों में बात पहुंच जाए तो सुन ही लेंगे, वह भी सहमत होंगे कि 8,000 रुपए की राशि कोई ऐसी राशि नहीं है जिसमें कोई आदमी ठीक से भरण पोषण स्वयं का कर सकता है और परिवार का कर सकता है, और जब पेट ही खाली होगा और जब पेट ही भूखा होगा तो फिर आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वह आपके लिए कुछ करेंगे। तो नौकरी मिलनी और नौकरी नहीं मिलनी दोनों में फर्क क्या रह जाएगा, सुन लेंगे उनकी बात, सुन लेंगे, क्योंकि क्योंकि हुआ ना जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास की है उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिए ना, आपको याद होगा 1500 रुपए में ये शिक्षक शिक्षा मित्र के तौर पर बहाल हुए थे। हाँ बिल्कुल, इसमें सरकार का खजाना नहीं था, सरकार के खजाने में पैसा नहीं था। मदन मोहन झा याद कीजिए, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हुआ करते थे, वे आइडिया लेकर आए और नीतीश कुमार ने उसे इम्प्लीमेंट किया। हाँ जी, और उन शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिला, विशिष्ट शिक्षक बनाया गया और कहा गया कि जो बीपीएससी से क्वालिफाई करके आए हैं और आप में अब कोई अंतर नहीं होगा, और सक्षमता परीक्षा को भी कहा गया कि एक जो कहा जाता है कि एक फॉर्मल टेस्ट है, बस उसको क्वालिफाई कर जाना है और आप विशिष्ट शिक्षक बन जाए। मैं मानता हूं कि जो शारीरिक जो अनुदेशक हैं और स्वास्थ्य अनुदेशक, सरकार बहुत जल्दी ही इनकी बातों को भी मान लेगी, क्योंकि थोड़ा फाइनेंस कमीशन से या जो इनका फाइनेंस देखते हैं लोग, वित्त विभाग से ये एडवाइस ले रहे होंगे कि कितना हम पर बोझ
पड़ेगा, कितने शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, फिजिकल कितने हैं, स्वास्थ्य में। तो नीतीश कुमार अब किसी भी जगह जब वो एड्रेस करने जाएंगे ये जी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने वो सब तस्वीरें देखी है कि नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं और लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, बिल्कुल जोर जोर से मंच से सामने से नारे लगा रहे हैं, काले कपड़े दिखा रहे हैं। किसी भी तरह का इस तरह का रिस्क नीतीश कुमार अब लेने नहीं जा रहे। 2025 का चुनाव ठीक से लड़ लें, सरकार इनकी बन जाए, और अब तो देश में वही माहौल बन गया है। आपने देखा ना, वो जितने भी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं आ रही हैं और उनके जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है बैंक खातों में उनका, और उसके बाद जी तो फिर सारे मुद्दे गौण हो जा रहे हैं। क्या बिल्कुल नीतीश कुमार जो इतने मंजे हुए हैं, कल तो जा ही रहे हैं ना महाराष्ट्र का जो ये होगा शपथ ग्रहण होगा। समारोह, उसमें नीतीश कुमार जी तो जा ही रहे हैं, तो क्या इनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि जो लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र का अरे ऐसा वो सर चढ़ के नीतीश बोला। कुमार के बहुत ही करीबी हैं देवेश चंद ठाकुर, जिनका महाराष्ट्र कनेक्शन तो है ही, बहुत सॉलिड कनेक्शन है। देवेश चंद ठाकुर भी फीडबैक देंगे महाराष्ट्र में किस तरीके से, जब लग रहा था कि एकनाथ शिंदे की सरकार बहुत कमजोर सरकार है, भ्रष्टाचार की इतनी शिकायतें थी, लोग परेशान थे, बावजूद इतनी बड़ी जीत, और बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की, तो देवेश चंद ठाकुर बताएंगे जरूर नीतीश कुमार को कि देखिए वहां सरकार ने ये किया, बीजेपी ने यह किया और इस कारण जीत मिली। अब देखिए शिक्षकों की बात हमने कर ली, सिपाहियों की बात कर ली, लैंड सर्वे के मसले पर भी, हाँ लैंड सर्वे जारी रहेगा लेकिन जनता परेशान न हो इसके लिए इसकी तारीख भी आगे बढ़ा दी गई, और खतियान नहीं मिलेगा, आप केवल प्लॉट नंबर बता दीजिए, खेसरा नंबर बता दीजिए, इससे ही काम चल जाएगा। सरकार की नजर इधर भी गई। हाँ, चूंकि उस कॉम्प्लिकेशन को भी दूर किया गया, चूंकि वो चाहते हैं कि जो कृषक वर्ग है, जिसके पास गांव में अभी भी वो वर्ग है, जो आज भी वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, अदला बदली वाली जमीन अभी भी कहीं पेपर में ऑन ये नहीं हुआ है, रिकॉर्ड में नहीं आया है, अब वो तो कॉम्प्लिकेशन को लेकर के ब्लॉक का चक्कर, सर्किल ऑफिसर का चक्कर काटते काटते इतने इरिटेट हो जाएंगे। हम लोग कभी बात करते बिल्कुल थे ना कि ये 3 एस 4 एस नीतीश कुमार जी के लिए हो सकता है कि परेशानी का कारण बने, तो लैंड सर्वे को ये लेकर के चले गए मार्च तक कि 2025 के मार्च तक आप अपना खाता खेसरा नंबर दीजिए, उसका डेडलाइन बढ़ाया इन्होंने। इन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई खतियान की अब जरूरत नहीं है, खतियान के लिए आप परेशान मत होइए, आप अपना खाता खेसरा नंबर दीजिए और आप उसी के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, आपकी जमीन रिकॉर्ड पर आ जाएगी। हर जगह ये जी चीजों को डाइल्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर लगेगा कि अभी और कॉम्प्लिकेशन है तो उस जमीन वाले मामले पर भी थोड़ा और ये टाइमलाइन देंगे कि घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जमीन किसी के नाम पर चढ़ गई है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी, सरकार उसके बिल्कुल बारे में भी सोचेगी और फिर वो आपकी जमीन है तो फिर वो आपकी जमीन बिल्कुल मिलेगी, और ये सरकार बढ़ा सकती है टाइमलाइन। तो सरकार हर चीज पर जहां भी इनको लग रहा है कि ये मेरे लिए हर्डल का काम करेगा, ये मेरा विरोध का कारण बनेगा, चुनाव में इसकी वजह से हम घिरेंगे, वो हर चीज को जिसको कहते हैं ना कि माने हर स्टोन को अनटर्न करना, वैसा कोई पत्थर ये नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसको ये रास्ते से ना हटा दे, ताकि विरोधियों को इन पर हमला करने का मौका मिले। तो हर जगह शिक्षक को नाराज नहीं करेंगे, उस समाज को जिसके पास जमीन है, कृषक समाज को नाराज नहीं करेंगे, उसके पास छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो, ये सिपाहियों बिल्कुल को नहीं नाराज करेंगे, सिपाही भर्ती परीक्षा में भी चीजों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, आप फिजिकल टेस्ट दीजिए। ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो शिक्षक शिक्षिकाओं के मन में था, 3 ऑप्शन मांगे गए हैं, कहाँ भेज दिए जाएंगे, कैसे हो जाएगा, उनको लेकर के इन्होंने कहा। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार हर बात मानने के मूड में है, शिक्षक अनुदेशक जो है, स्वास्थ्य और देखो अनुदेशक। अब देखिए कुंदन कृष्णन को भी लेकर आ गए, उस मोर्चे पर सरकार घिरती दिखाई पड़ रही थी और कुंदन कृष्णन की तैनाती की गई एडीजी हेडक्वार्टर के बारे में सबसे पहले लाइव सिटी नहीं बताया था, और आज उन्होंने योगदान भी कर लिया और उन्होंने बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि अपराधी
कानून के रास्ते पर लाए जाएंगे, कानून से कसा जाएगा, कानून से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। हमने और आपने वो जमाना देखा है 2005 के पहले कि जब गाड़ियां चलती थी तो राइफल की नाल बाहर निकली हुई होती थी। खैर, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो यह बंद कराया गया और पटना की सड़कों पर बंद कराने का श्रेय कुंदन किशन को ही जाता है। इधर हमने और आपने महसूस किया कि बाउंसर्स वाले लोग बहुत चलने लगे, निजी बाउंसर्स वाले, और सड़कों पर कोहराम मचाते हैं, इस तरीके से करते हैं कि पूछिए मत। तो एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में ज्वाइनिंग देते ही कुंदन किशन ने आज सचेत कर दिया, ये बाउंसर वाले लोग जो दादा बनते हैं सड़क पर, वो सावधान हो जाए। मतलब रडार पर आ गए, कुंदन किशन ने कह दिया तो कह दिया, तो जो बाउंसर लेकर चल रहे हैं लोग, कुंदन किशन ने साफ साफ कहा है, पता किया जाएगा ये बाउंसर लेकर चलने वाले लोग हैं कौन है? क्या यह इतना पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं जो इतने इतने बाउंसर्स रख रहे हैं? और जो बाउंसर देने वाली एजेंसियां हैं, सप्लाई एजेंसियां हैं, क्या वह मान्यता प्राप्त है? तो अब इस तरीके से, और बिल्डर्स को भी देखिए, बिल्डर्स से लोग परेशान होते हैं, बालू माफिया से परेशान होते हैं, उन्होंने कहा बालू तो देखिए माइनिंग का है लेकिन जहां जरूरत होगी, जमीन माफिया से परेशान रहते हैं। तो कुंदन किशन ने आते आते आज बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है बिहार में सबसे अधिक अपराध तीन ही कारणों से हो रहा है, जमीन हो, शराब हो या लड़की हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्राइम के बेसिक फंडा तो यही है कि वो जो है वो इसी वजह से होता है। कुंदन कृष्णन को जो केंद्रीय पद प्रतिनियुक्ति पर थे उनको ला करके यहाँ एडीजी हेडक्वार्टर बनाया गया, और कुंदन कृष्णन जब पटना के सीनियर एसपी हुआ करते थे, बिल्कुल उस दौर की बात आपने कही कि किस तेवर में उन्होंने चीजों को ठीक किया था, अपराधी कैसे शहर से किनारे हो गए थे। आज उन्होंने एक मैसेज दे दिया है, उन्होंने कहा ना कि भाई दौड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कुंदन कृष्णन कैसे अपराधियों को ठिकाने लगाते हैं ये सबको पता है। तो बाउंसर वाले लोगों को तो उन्होंने मैसेज कर दिया कि भाई ये बाउंसर लेकर के जो अपनी दादागिरी और दबंगता आप दिखाते हैं सड़कों पर, तो आम आदमी तो भयभीत महसूस करता है। फिर नीतीश कुमार की यूएसपी पर ही सवाल हो जाएगा कि आपने तो कहा कि वो जो लालू प्रसाद जी का कालखंड था वो किस तरह से एक डर का कालखंड था, आज भी तो वो ठीक है, उसके स्वरूप बदल गए हैं, लेकिन ये बाउंसर तो दिख रहे हैं और बाउंसर की दादागिरी भी दिख रही है जो लोग दिखाने के लिए चलते हैं। तो ठीक है, आपके पास एक बाउंसर क्या 50 बाउंसर रखिए, लेकिन जरा उनका रिकॉर्ड दिखा दीजिए, उनकी जीएसटी से लेकर के वो जो कंपनी जो बाउंसर इनको सप्लाई करती है, और ये इनकम टैक्स उतना देते हैं जिसकी वजह से इतने बाउंसर को हायर किए हुए रहते हैं। तो तकनीकी पेच जैसे ही आएगा, और फिर ये बाउंसरों के द्वारा जो ये तांडव कभी कभी मचा दिया जाता है, इसका क्या मामला है? ठीक कह रहे हैं कि जो अपार्टमेंट में व्यक्ति जीवन भर की कमाई कोई कमाता है और वो पैसा किस्तों में देता है, बड़ा बढ़िया से बिल्डर उनसे कहता है कि आपको एक फ्लैट दे देंगे, मंथली आपका ये है, और जब फ्लैट की रजिस्ट्री की बात होती है तो फिर वो बिल्डर किस तरह से व्यवहार करते हैं सबको पता है। वो एक फ्लैट खरीदने वाला व्यक्ति उसके सामने बेचारा बन के खड़ा हो जाता है। इशारा वहां भी है कि भाई आपकी दबंगता, उन्होंने ये देखिए उन्होंने किया जो जरूरत भी है, उन्होंने कहा कि देखिए आर्थिक चोट नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि देखिए पहले कैसे नक्सली, जो बड़े नक्सली थे, उनकी संपत्ति जब्त की गई, और अब तो ईडी और सीबी, ईडी और इनकम टैक्स है, तो हम मदद लेंगे। पद्मन शर्मा का नाम लिया, संदीप यादव का नाम लिया, जितने बड़े बड़े नक्सली थे कि किस तरीके से उन्हें तहस नहस किया गया। तो कुंदन किशन आए हैं, तेबर तो दिखेगा, यह बात पक्की है, दिखनी भी चाहिए, और मैं मानता हूं कि इससे सरकार की यूएसपी जो है वो उस पर एक मजबूत ये स्टाम्प लगेगा कि हाँ नीतीश कुमार के अधिकारी फिर उसी तेवर में आए हैं, बदलाव के वाहक नीतीश कुमार रहे हैं। इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार करते हैं, 2005 से 10 का दौर सब लोग याद करता है कि उस दौर में, हाँ उस दौर में कैसे अपराधी कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। वो नीतीश कुमार जब अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते थे, जब चीजें बाहर आती थी, तो वो उनका सीधा निर्देश होता था, आप कार्रवाई कैसे करेंगे, आपका तरीका क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं, अगर अपराध हुआ तो इसके लिए आप जिम्मेवार हों। और क्राइम कंट्रोल हुआ, स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट उसी समय शुरू हुआ था ना, और स्पीडी ट्रायल का नतीजा था कि कैसे अपराधी भाग खड़े हुए थे, वो दूसरे राज्य में जाके शरण लेने लगे थे, पता चला कि यहाँ तो हम इसमें साइंटिफिक टेस्टिंग से बच नहीं पाएंगे, और तुरंत ट्रायल होगा,
फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत फैसला सुनाया जाएगा, हम सलाखों के अंदर होंगे, जेल में होंगे। सजा इतनी जल्दी सुना दी जाती थी कि उनको लगता था कि अब हमारे पास बहुत स्कोप नहीं है। चूंकि कृष्णन जो हैं, या ये जो कुंदन कृष्णन जो हैं, एक कड़क ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये एक्शन में जाने जाते हैं, ये बोलते नहीं है लेकिन एक्शन में ये जाने जाते हैं। तो एक इशारा तो इन्होंने दे दिया, जहां जहां से भी अपराध और अपराधी घटनाओं के लिए बनती है जैसे कि प्रक्रिया, उन सारे जगहों पर इशारा कर दिया कि जहां पर वो बालू के ठेकेदारी में जहां पर मामला होती है दबंगता की, आपने देखा इसी पटना के बिहटा में ना माइनिंग इंस्पेक्टर को कैसे 20 लोगों ने पकड़ करके पीटा था, और बड़ी पुलिस की जमात चुपचाप मुख दर्शक बनी खड़ी हुई थी। आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से इन अपराधियों की? पटना के मौर्या होटल में चल रहा था मीटिंग, जो बाहर के इन्वेस्टर को इनवाइट किया गया था, और बिहटा में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कुंदन कृष्णन इस तरह के ऑफिसर माने जाते हैं कि वो सारे एसपी को चूंकि एडीजे हेडक्वार्टर के तौर पर निर्देशित कर देंगे। भाई जरा समझा दीजिए अपराधियों को, अगर वो माने तो ठीक, और नहीं तो कुंदन कृष्णन किस तरह से अपराधी पता ही नहीं चलता है। तो कहा जाता है ना कि भाई कोई एसपी कह नहीं सकता कि इस अपराधी का पता नहीं चल रहा है। अपराधी का पता ठिकाना बताने के लिए तो कुंदन कृष्णन ही काफी है। अरे भाई ये यहाँ है, पकड़ लो, और नहीं तो फिर हम पकड़ेंगे तो तुम समझ लो। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि चूंकि इस बिहार की मिट्टी से वो परिचित है, एक एक अपराधियों का ठिकाना, क्राइम का कारण क्या होता है, और क्रिमिनल शेल्टर कहाँ लेते हैं, संरक्षण उनको कहाँ से मिलता है, इस मामले में तो उनको जाना जाता है। और जब इस तरह के अधिकारियों को टास्क दे दिया गया कि देखिए कानून और व्यवस्था के नाम पर किसी भी तरह का अगर तांडव यहाँ कोई मचाने की कोशिश की, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो भाई जरा आप देख लीजिए, आपको हमने जिम्मेवारी दी है। और नीतीश कुमार इस मामले में फ्री हैंड अधिकारियों को देते हैं, ये उनके अधिकारियों से भी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं होता है, उनके लोगों के द्वारा नहीं होता, वो पैरवी वहां नहीं होती। अधिकारियों को फ्री हैंड दिया जाता है कि कैसे आप क्राइम को कंट्रोल करें। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी किसी एसपी को फोन किए होंगे, यह तो उदाहरण ही नहीं मिलेगा। जब उन्हें कहना होता है तो वो डीजीपी को कहते हैं, और फिर डीजीपी के माध्यम से सभी को संदेशा पहुंचता है। जी हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं तो डीजीपी को ही कहते हैं, अदरवाइज वो किसी एसपी को नहीं कहते। और जो उनके पास पैरवी वाले लोग हैं उनको भी पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास सिफारिश का भी कोई फायदा नहीं है इस निर्णय में, इसीलिए आपने देखा कि होम डिपार्टमेंट वो अपने पास रखते हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर, सवाल तो उठ रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है, रूटीन क्राइम से चीजें आगे बढ़ गई है, और कहा जा रहा था कि ये दारू की तस्करी या बालू की तस्करी, ये तस्कर इतने मजबूत हो गए हैं कि अब इनके लिए किसी भी तरह के अपराध को अंजाम देना और किसी भी तरह के अपराधियों को संरक्षण देना अब इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आर्थिक ताकत के वो प्रतीक बन गए हैं। कुंदन कृष्णन ने आज इशारा तो कर दिया है कि भाई देख लीजिए, समझ लीजिए, वो आप सोच रहे हैं अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, थोड़ा आपके साथ नहीं चलेगा। और हमारा तरीका, अगर आपको मेरे बारे में पता होगा तो पता है कि हम कैसे निबट लेते हैं। तो सरकार एक तरह से कई मोर्चे पर किसी भी तरह से अपने लोगों को नाराज नहीं करना चाहती है। जो भर्तियां आ रही है उसके आधार पर वो चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए, कोई नाराजगी है, कोई इनकी शिकायत है तो उसको दूर कीजिए, कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है जिसको अभी नहीं रोका जा सकता है तो उसको रोक दीजिए। जमीन सर्वे में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे उन्होंने कहा कि डेडलाइन बढ़ा दीजिए, छोड़िए खतियान, अब खतियान ये उसका फटा चीटा हुआ खतियान, सीओ के यहाँ कैसे दरबार लग रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, तो छोड़िए खतियान को, आपके पास पेपर तो होगा और उस पेपर में खाता प्लॉट नंबर तो होगा, आप आवेदन में वही दे करके और आप उसको रिकॉर्ड में चढ़वा ली। और लाइन ऑर्डर को लेकर के सरकार करती है वही कि कभी कभी सांकेतिक तौर पर भी एक मैसेज सोसाइटी को दे देती है। तो एडीजी हेडक्वार्टर बना करके एक सिंबॉलिक मैसेज तो दे दिया गया
कि देखिए 2025 में चुनाव है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अंदर इतना जल्दी कर दिया जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने एक मजबूत अधिकारी को, जो निर्णय लेने वाला अधिकारी है, उसको मैंने जिम्मेवारी दे रखी है। तो ये सारे जो फैसले हैं वो 2025 के चुनाव की तैयारी है, और 15 से तो ये निकलेंगे ही महिला संवाद यात्रा पर। बाकी चीजें तो मुख्यमंत्री जी जब संवाद करेंगे तो और चीजें स्पष्ट होकर के आएगी। तो 2025 की तैयारी है। देखिए, जो सिपाही अभ्यर्थी थे उन्हें खुश किया गया, जो शिक्षक थे उन्हें खुश किया गया, लैंड सर्वे में ढील दी गई। आपने देखा ही था कि जब उपचुनाव चल रहे थे तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सर्वर ही डाउन हो गया था। जब आम चुनाव होंगे तो उस वक्त भी हो सकता है, और कुंदन कृष्ण ला ही दिए गए हैं, बाउंसर लेकर चलने वाले हो जाए सावधान। तो बिहार की बात हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।